वेल जैसा कि हम सब लोगों को पता ही है कि ऐश की जर्नी खत्म होने वाली है और ऐश के ऊपर एक 11 एपिसोड की सीरीज आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो उस सीरीज में हो सकते हैं। हाँ, ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है। मैंने रिसेंटली भी एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी जिसकी एक प्रेडिक्शन भी सही नहीं हुई, लेकिन तब भी मैं प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं इसमें से कितनी चीजें सही होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पहली बार बताया जाएगा एक पोकेमोन मास्टर किसे कहते हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता कि पोकेमोन मास्टर किसे कहते हैं। क्या पोकेमोन को ट्रेन करना पोकेमोन मास्टर कहते हैं? क्या एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाने को पोकेमोन मास्टर कहते हैं? या किस चीज को पोकेमोन मास्टर कहते हैं, यही हमें अभी तक नहीं पता है। और इस सीरीज में वो कन्फर्म हो जाने वाला है कि पोकेमोन मास्टर एग्जैक्टली किसे कहते हैं। और पहली बार ऐश पोकेमोन मास्टर बनने वाला है, ये भी एक बहुत कमाल की चीज है। गोल के लेके पिछले 26 ईयर्स से ऐश पड़ा हुआ है, वो चीज है क्या आखिरकार? और ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कमाल का होगा। इस सीरीज में फाइनली आफ्टर 26 इयर्स ऐश पोकेमोन मास्टर बन जाएगा। वेल, हमें अभी तक ये नहीं पता कि पोकेमोन मास्टर कैसे बनते हैं या किस बंदे को पोकेमोन मास्टर कहते हैं, लेकिन इस सीरीज में हमें पहली बार कोई एक पोकेमोन मास्टर देखने को मिलेगा और वो ऐश होने वाला है। और ऐश इस सीरीज में पोकेमोन मास्टर बन के उसकी जर्नी वहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा कमाल का लगेगा और ये पूरा कन्फर्म भी हो चुका है। ऐश के डैड का फेस रिवील, हमें ये पिक्चर लगी थी कि ये ऐश के डैड है, लेकिन ये ऐश के डैड बिल्कुल नहीं थे, हमारा हूतिया काट दिया गया था। लेकिन उस एपिसोड में भी ऐश ने अपने डैड के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया और वहां पे वो अपने डैड के लिए रोया भी था। और इस एपिसोड में हमें अच्छे से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया ऐश के डैड के बारे में। भले ही एक अलग यूनिवर्स में स्टेबल है ये वाली स्टोरी, लेकिन इसमें भी हमें अच्छे से ऐश के डैड के बारे में बताया गया। और ये जो 11 एपिसोड है इसमें भी हमें ऐश के डैड के बारे में बताने वाले हैं और शायद से ऐश के डैड का फेस रिवील भी हो सकता है। वेल, इन एपिसोड में ऐश अपने रिलीज्ड पोकेमोन से भी मिलने वाला है। रिसेंटली ऐश बटरफ्ली से भी मिला था और वो एपिसोड क्या ही कमाल का था, पूरे बचपन की यादें ताजा हो गई। और इन एपिसोड में ऐश अपने और भी पुराने पोकेमोन से मिलने वाला है, जस्ट लाइक पिजियोटो, प्राइमेप और जितने भी उसने रिलीज्ड पोकेमोन अभी तक रखे है उन सबसे मिलने वाला है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही कमाल की चीज होगी, बिकॉज हमारा पूरा का पूरा बचपन वापस आ जाएगा। तुम क्या सोचते हो इस चीज के ऊपर, वो तुम कमेंट में बता सकते हो। हाँ, ये चीज ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है कि ये होने वाला है। वेल, ऐश इन एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ एक रीजन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो बहुत सारे रीजन में ट्रैवल करेगा। वेल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ऐश अपने पुराने पोकेमोन से मिलने वाला है, तो उनसे मिलने के लिए वो डिफरेंट रीजन में जाना पड़ेगा। मतलब 11 एपिसोड में वो हर एक रीजन में ट्रैवल करने वाला है, जो कि एक लेजेंडरी थिंग होगी हम सब लोगों के लिए, बिकॉज हमारी पूरी की पूरी याद ताजा हो जाएगी। वेल, रिसेंटली एक थियरी आई थी कि ये जो लड़की है ये ऐश की बेटी है। वेल, ये कितना सच है कितना झूठ है इस पे हम कभी फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए शायद से इस चीज का मैं 30-40% कंफर्मेशन देता हूँ कि ऐश की शायद से शादी हो सकती है इन एपिसोड में। लाइक हमें दिखाया जाए, जो लास्ट एपिसोड है उसके एंड में हमें दिखाया जाए कि 10-50 साल बाद ऐश की शादी हो चुकी है किसी एक पोके गर्ल के साथ और जो स्टोरी कंटिन्यू कर रही है वो ऐश की बेटी हो। वेल, ये अभी के टाइम पे थियरी और बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। ये थियरी सही है कि गलत है, इसके ऊपर हम कभी वीडियो बनाएंगे, तब तक लिए वेट करो। वेल, ऐश अपने बाप के साथ बैटल करने वाला है। ऐश के डैड का फेस रिवील हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो अपने फादर के साथ भी फाइट करेगा, बिकॉज उसने हमेशा से सुना है कि उसका फादर एक लेजेंडरी पोकेमोन ट्रेनर है। तो वो मतलब क्यों नहीं अपने बाप के साथ बैटल करे? और अगर ऐसा होता है तो भाई क्या ही चीज हो जाएगी, ऐश और ऐश के बाप के बीच में बैटल, भाई मतलब चुम्बेश्वरी सीन हो जाएगा वो। और अगर ऐसा होता है तो ये जो 11 एपिसोड है ये बेस्ट एपिसोड बन जाएगी अभी तक के पोकेमोन के। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल, ये लास्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन 2022, एंड आई होप सो कि मैं इसे अपलोड भी 2022 में ही कर दूँ और ये शायद से लास्ट वीडियो होने वाली है 2022 की। अभी हम मिलते हैं 2023 में, और अगर मैंने इसको 2023 में अपलोड किया है तो वेलकम बैक। सो हम मिलेंगे 2023 में, तब तक के लिए बाढ़ में जाओ।